हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के हवाले से। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो आपके पास पेज ऑफ वांड्स। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या वो किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। ओके, टॉरस के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? व्हाट आर टॉरस पार्टनर करंट फीलिंग्स? ओके, सो अंडरनीथ में आपके पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली वो किसी चीज़ का वेट करें। आप अगर वो हो सकता है आपको स्पाई करें हो सोशल मीडिया पर, और आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हो, इंतज़ार में हो, आपकी उनकी नज़र है आप पे, उनकी नज़र इस तरीके से कि जस्ट वो इसी बात का इंतज़ार करें कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए। सो यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, हैंगमैन एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़ें हिडन हैं, लाइक कुछ चीज़ें उनसे छुपी हुई हैं जिसको वो जानने की कोशिश करें आपके ऊपर स्पाई करके। आपके ऊपर स्पाई करके वो इस बात को जानने, कुछ आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सिंगल हैं इस वक्त और उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है। अगर वो किसी रिलेशनशिप में थे पहले, या फिर आपके साथ ही रिलेशनशिप में थे, या किसी और के साथ थे, तो उनको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है और वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। और इस वक्त वो बिल्कुल सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं। और अगर ये आपके एक्स हैं और उन्होंने किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप बनाया था, तो अब वो उस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं और वो बिल्कुल सिंगल हैं। और वो अब आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं कि वो हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जिसके बाद वो आपकी तरफ अप्रोच कर सकें। तो जो चीज़ें हिडन हैं, या तो वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आपकी किसी छुपी हुई चीज़ को जो उनको नहीं पता उसको वो मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए वो वो अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना चाहते हैं। जो सिचुएशन आपके साथ उनकी बैलेंस नहीं थी, अब वो उसको बैलेंस बनाना चाहते हैं, जिसके जो कि एक बहुत हद तक चैलेंजिंग है उनके लिए। या तो वो कोई इंसाफ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो इंसाफ उन्हें मिल नहीं रहा। और या फिर बैलेंसिंग सिचुएशन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस लाना चाह रहे हैं, जो कि इस वक्त मुमकिन नहीं है। या फिर ये सिचुएशन ऐसी चल रही है कि वो कंफ्यूज्ड हैं, उनसे बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं और वो उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनके लिए किसी हद तक चैलेंज है कि वो बैलेंस कैसे लेके आए। इनडिसाइसिव वो हैं और उनको डिसीजन लेना है। अगर वो आपके हवाले से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो अभी भी इनडिसाइसिव हैं, अभी भी वो उन्होंने अपने डिसीजन को पेंडिंग पे रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें वो बातें नहीं पता जो उनको पता होनी चाहिए। तो वो ये मालूम करना चाहते हैं ताकि वो एक जस्टिस ला सकें सिचुएशन में। तो जस्टिस भी पेंडिंग पे है, डिसीजन भी पेंडिंग पे है, क्योंकि अभी चीज़ें हिडन हैं, इन्फॉर्मेशन उनके पास पूरी नहीं है। आपकी तरफ से वो उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है। नहीं, अगर उनको ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये डिसीजन जो है वो जल्द से जल्द वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर क्योंकि वो इसको जानना चाह रहे हैं, वो लेना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन आपके ऊपर सोशल मीडिया पे स्पाई करके। उनके माइंड में इस वक्त यही चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में। किसी रिलेशनशिप से वॉकआउट हुए हैं, वो किसी पर्सन से वॉकआउट हुए हैं और अब वो वेटिंग पीरियड पे हैं कि
इसी ही इन्फॉर्मेशन के वेट पे हैं या फिर वो आपके वेट पर हैं कि आप कब उन्हें मैसेज करते हैं, आप कब उनसे बात करते हैं। तो ये उन एक वेटिंग पीरियड पे हैं वो, कि उन उनको कोई आप अप्रोच कर लें या फिर वो आपको अप्रोच कर लें। तो जो भी टाइम है अभी, इस पे टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लगेगा। जो भी डिसीजन उनको लेना है उसमें टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए अगर टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि उनकी उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो वो उनको चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपके बारे में मालूम करना चाहते हो कि आप अभी सिंगल हैं या आप भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन उनके लिए चैलेंजिंग हो सकती है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को हासिल नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है बिहाइंड द सीन किसी और वे से वो इस इन्फॉर्मेशन को लेने की कोशिश करें। सो हिडन बिहाइंड द सीन वो कुछ वर्कआउट कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप में बैलेंसिंग लाने के लिए। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेबरी, आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।